भाजपा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव के वंशवाद वाले बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। टिकट नहीं मिलने वाला था, यह गोपाल भार्गव और अभिषेक को समझ आ गया था, इसलिए फेसबुक पर पोस्ट लिखकर सफाई दे रहे हैं। गोपाल भार्गव अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, शिवराज अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं, गौरीशंकर बिसेन अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं, राघव जी अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं। तो लगातार वंशवाद का मामला चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से शिवराज की पत्नी का विरोध हो रहा है, जिस प्रकार से गोपाल भार्गव के बेटे का विरोध हो रहा है, तो खुद गोपाल भार्गव को पीछे हटना पड़ा, बेटे को पीछे हटाना पड़ा। कोई बेटे को इसलिए नहीं हटाया कि उनको वंशवाद की या कोई राजनीति की फिक्र थी। जब विरोध हो गया और टिकट नहीं मिलने की स्थिति में तब पीछे हटे। पहले तो खूब जोर लगाया, खूब टिकट मांगा और जब नहीं मिल रहा तो आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, ये इनका दोहरा चरित्र है। इसी दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा स्थिति खराब शिवराज सिंह चौहान की है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है। 13 साल मुख्यमंत्री रहे, शिवराज को आभार यात्रा नहीं निकालने दी जाती है। पत्नी साधना सिंह को टिकट देने की बात आती है तो उनका भी विदिशा में विरोध शुरू हो जाता है। ऐसी दयनीय स्थिति में कांग्रेस शिवराज के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में थी सबसे कोई दयनीय स्थिति है तो आज शिवराज सिंह चौहान की। एक 13 वर्ष का मुख्यमंत्री आभार यात्रा निकालना चाहता है तो अनुमति नहीं मिलती, नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहता है तो बनाया नहीं जाता है। अब इतनी विकट स्थिति है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो कभी पत्नी का नाम आता है, और पत्नी का नाम आता है तो खुले हम लोग विरोध करते हैं कि पत्नी को टिकट नहीं दिया जाएगा। भाषण देता है तो लोग कहते हैं भाषण दे के चले जाते हैं। इतनी दयनीय अवस्था में शिवराज, हमारी तो पूरी सहानुभूति है कि एक 13 वर्ष का मुख्यमंत्री यदि टिकट मांगता है तो उसको टिकट के लिए उस सब दूर पैनल बन जाती है और वहाँ की सीट छोड़ दी जाती है हाईकमान के ऊपर। इससे बुरी स्थिति शिवराज की नहीं है। पत्नी का विरोध हो रहा है जिसका 13 वर्ष, जिसकी पर्दे के पीछे किसने सत्ता चलाई सबको पता है, एक लोकसभा का टिकट यदि उनको नहीं मिल रहा है तो इससे बुरी अवस्था देखी नहीं जा रही कांग्रेस से। हमारी सहानुभूति उनके साथ है। भोपाल से EMSTV के लिए कैमरा पर्सन देवेंद्र माली के साथ राम पवार की रिपोर्ट। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद।